अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 9 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करते हैं और उसके अलावा फ्रंट कलर कैसे चेंज होता है। तो आज के लेसन में हमें बैकग्राउंड कलर और फ्रंट कलर के ऊपर डिस्कस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट पे आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड जो कलर है तो वो कुछ चेंज हो जाए, उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है कि फ्रंट कलर जो होता है उसका भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो डिफॉल्ट कलर होता है बैकग्राउंड का आपके ब्राउजर में जब आप काम कर रहे हो, तो जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है और टेक्स्ट का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। आप जो है तो बैकग्राउंड में आप स्टाइल का जो है तो एट्रीब्यूट यूज करके आप इसका कलर, बैकग्राउंड कलर एंड फ्रंट कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के लेसन में हमने किस तरह कलर चेंज करना है। तो मेरे पास वेब पेज में एक स्टाइल के नाम से मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्रोग्राम का, और उसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। तो एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको मैं ब्राउजर में भी ओपन करता हूँ। तो राइट क्लिक करें इसी के ऊपर, ओपन विथ, आप गूगल क्रोम या ब्राउजर पर क्लिक करें तो ब्राउजर में भी ओपन हो गया। तो एक start.html के नाम से मेरे पास यहाँ पे ये एक सेव है। ओके, अब मैंने जो काम करना है वो क्या है कि मैं इसको यहाँ से जो है तो इसको भी मैं यहां से इसका जो टाइटल देता हूं, मैं स्टाइल का टाइटल दे देता हूं, क्योंकि स्टाइल डॉट एच टी एम एल जिस नाम से सेव किया है वही नाम है। तो मैं इसको स्टाइल स्टाइल का एक टाइटल देता हूं, कंट्रोल एस करके सेव करता हूं। तो अब देखिए, आपके पास स्टाइल डॉट एच टी एम एल है, तो आप जब रिफ्रेश करोगे तो आपके पास सिर्फ स्टाइल के नाम से हमारे पास टाइटल आ जाएगा। कुछ मैं हेडिंग भी देता हूँ बॉडी के अंदर, और कुछ मैं वैसे सिंपल सा एक टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ, क्योंकि हेडिंग कलर भी मैंने चेंज करना है। तो हेडिंग वन में इसको देता हूँ बॉडी के अंदर, हेडिंग वन, क्योंकि हमें जितना काम करना होता है वो बॉडी के अंदर करेंगे। दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग वन, और इसको मैं यहां से बैक स्लैश और H1 से इसको क्लोज कर देता हूं। ओके, और मैं पैराग्राफ भी लिखता हूं यहां पे। पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज करूंगा P, और यहां मैं लिखता हूं दिस इज पैराग्राफ, बैक स्लैश एंड पी से इसको क्लोज कर लेता हूँ, और उसमें कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। और यहाँ से मैं इसको देखता हूँ रिफ्रेश करके, तो दिस इज हेडिंग वन एंड दिस इज पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। टी अगर कैपिटल करना चाह रहे हैं कैपिटल कर लें, यहाँ से भी इसके टी पे कैपिटल करना चाह रहे तो कैपिटल कर लें। ओके, तो यहाँ तक ये आपका जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ जी आपका, ये दिस इज हेडिंग वन एंड पैराग्राफ हमने दिया। अब जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो कंप्लीट बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि ये आपको व्हाइट नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट जो बैकग्राउंड कलर है सारे का सारा चेंज हो जाए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। तो स्टाइल एट्रीब्यूट हमेशा याद रखें कि हमने बॉडी का कलर चेंज करना है, तो बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर के लिए स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टाइल इक्वल टू डबल क्यूज डालें, और इसके अंदर आपने आप लिखना है जी बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, माइनस कलर लिख दें, और आपने ये रेशियो का साइन डाल के आप यहाँ पे आप कलर का दे दें जी। कलर कौन सा देता हूँ मैं, रेड कलर फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कलर रेड हो गया, देखें। इसके अलावा आप कलर का चेंज कर सकते हैं, और भी आपने कोई कलर देना है आप दे सकते हैं। तो मैं ग्रे कलर देता हूँ इसको, ग्रे कलर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप जो भी कलर यहाँ पे देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं कलर। येलो कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, एंड येलो कलर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप जो भी कलर देना चाहें आप अच्छा सा कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यही कलर जो होते हैं आप इस कलर को हेक्साडेसिमल के सीरीज में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हर एक कलर का नाम होता है, तो बस स्टूडेंट्स आम लोगों को नाम नहीं आते कलर के कि ये कलर कौन सा है, तो उसके लिए भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि आप यहाँ पे गूगल में जाएं और यहाँ से आप लिखें जी W School 3 में भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें ना डायरेक्ट, यहाँ पे आप लिखें गूगल में ही,
और यहाँ पे है जी डब्ल्यू स्कूल ट्री। ये जी डब्ल्यू थ्री स्कूल ऑनलाइन है, डब्ल्यू थ्री स्कूल ऑनलाइन, डब्ल्यू थ्री स्कूल ऑनलाइन पे आप जाएं। और यहाँ पे आपको कलर भी, आप यहाँ पे नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको कलर भी मिल जाएंगे। सर्च करें कलर, कलर प्रॉपर्टी है एच टी एम एल कलर पे करें, और एच टी एम एल कलर नए में काफ़ी सारे स्टाइल हैं। देखें अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, कलर का नाम भी आ गया, ये देखें ये कलर के नाम है यहाँ पे। और कलर के आप देखें, कलर जो भी पिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखें उसका कंप्लीट आप बस डिटेल आ जाएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल कलर पिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास कलर जी आए बैकग्राउंड जो इस कलर का हो। अब देखें ये कलर है, अब इस कलर का मुझे नाम तो नहीं आता था, तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक कंप्लीट RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू का मिक्सचर करके इसने कलर दे दिया। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें तो ये हेक्साडेसिमल में कलर होता है। कंट्रोल सी कॉपी करें, करने के बाद आप यहाँ पे जाएं अपने नोटपैड, सॉरी अपने टेक्स्ट एडिटर में, जो कि मेरे पास जो टेक्स्ट एडिटर है इसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट, और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल वी करके पेस्ट करें, कंट्रोल एस करके सेव करें। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करें यहाँ पे, ये स्टाइल रिफ्रेश करें, देखिए वो वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो आप इसी तरह मिक्सचर कलर जो होते हैं, आप अच्छे से कलर आप अप्लाई करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा आप देखें ये वाले मिक्स कलर है, आप देखें देखें ज़रा ये वाला कलर है, इससे रिलेटेड आ गए, ये कलर है आप इससे रिलेटेड देखें कलर आ गए। तो मुझे इस तरह का कलर अच्छा लगता है, ये वाला कलर है फॉर एग्जांपल। अब देखें इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ ये जो कलर है। तो इसके साथ एज का साइन डालना मत भूलें, कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं कलर चेंज हो गया। तो ये कलर का तरीका है, तो ये ऑनलाइन टेक्निक है कि आप ऑनलाइन किसी एक साइट है जो डब्ल्यू स्कूल थ्री साइट है, सॉरी डब्ल्यू थ्री स्कूल साइट है, यहाँ पे आप सर्च करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें एच टी एम एल के आपके पास गाइडलाइंस भी यहाँ पे कंप्लीट है, आपको गाइडलाइंस भी यहाँ से चैप्टर वाइज ले सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास, आप ऑफलाइन अगर करना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं कलर, तो आपके पास एम एस, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑटो कैड सॉरी अडोब फोटोशॉप अगर इंस्टॉल है तो अडोब फोटोशॉप पे क्लिक करें, अडोब फोटोशॉप को ओपन करें, चाहे कोई भी वर्जन है अडोब फोटोशॉप का या फिर कोरल ड्रॉ का कोई भी वर्जन है तो उसमें भी आपके पास कलर आ जाते हैं। तो इसमें भी कंप्लीट कलर पैटर्न्स होते हैं, तो आप मेरे पास यहाँ पे कलर है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप देखें जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, देखें यहाँ पे आपको ये कलर नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे रेड में कुछ शेड या कुछ कलर चाहिए, तो आप देखें RGB रेड ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर है यहाँ पे, देखें तो मुझे यही कलर चाहिए फॉर एग्जांपल, ये वाला कलर चाहिए। और इस कलर को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे देखें पीछे हैश का साइन भी लगा हुआ है, तो कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट एडिटर में क्या करता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ। एच का साइन डाला और कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करें एंड कंट्रोल एस सेव किया और इसको रिफ्रेश कर दें, ब्राउज़र में जाएं उसको रिफ्रेश करें, तो अलग स्टाइल आ गया, कलर आ गया। तो ये जी कलर है आपके बॉडी के ऊपर, आप कलर कैसे अप्लाई कर दें। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर भी हम कलर अप्लाई कर सकते हो, फ्रंट में कलर अप्लाई करने का क्या तरीका है, यही तरीका है, इसी तरह आप फ्रंट में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ एट्रीब्यूट चेंज है। तो वो क्या एट्रीब्यूट है, तो मैं कलर फ्रंट का वाइट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हेडिंग वन, अब ये जो मेरे पास हेडिंग वन है, तो मैं इस हेडिंग वन का जो मेरे पास स्टार टैग है, अब देखें बॉडी का जो स्टार टैग था उसमें मैंने कलर अप्लाई किया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, पिक्चर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अब यहाँ पे जो हेडिंग वन है, तो हेडिंग वन के साथ मैंने फॉर एग्जाम्पल कलर देना है, तो टेक्स्ट का हेडिंग वन के साथ मैं कलर देता हूँ, तो इसके साथ आप लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल लिखने के बाद आप यहाँ पे वही काम है इक्वल टू डाल, थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि आसानी हो, स्पेस और क्यूट्स डालें, डबल क्यूट्स डालें, और डालने के बाद यहाँ पे कलर, ब्लू करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ
तो देखें टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, वाइट कलर अच्छा लगता है तो वाइट कलर चाहिए। सेव करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें वाइट कलर इसका आ गया। और इसी तरह आप कलर जो है तो आप हेक्साडेसिमल में इसमें भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से कलर चूज़ करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह पैराग्राफ का जो एट्रीब्यूट है वो भी यही है, स्टाइल इक्वल टू क्यूट्स में आपने लिखना है कलर, और इसको मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल येलो, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मेरे पास देखें ये येलो आ गया। तो ये जी आपका देख कलर, आप किस तरह टेक्स्ट पे कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप ये एट्रीब्यूट्स पास लिखें और इन पे अप्लाई करें, और इसी तरह आप और फोटोशॉप से या फिर अगर आप ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन डब्ल्यू जो स्कूल में जाके वहाँ से भी आप कलर चूज़ करें और अच्छे अच्छे कलर आप अप्लाई करें और इसको याद करने की कोशिश करें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।